गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग सेंटर पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट 3 एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। सही उत्तर है सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? सही उत्तर है बी, गोल्ड। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सही उत्तर है बी। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? सही उत्तर है डी। निम्नांकित में कौन उपधातु है? सही उत्तर है बी। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? सही उत्तर है बी, पीतल है। सही उत्तर है सी, मिश्र धातु। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सही उत्तर है ए, लिथियम। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? सही उत्तर है सी। निम्न में कौन एक अधातु है? सही उत्तर है बी। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु क्या करती है? सही उत्तर है बी, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? सही उत्तर है ए, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। सही उत्तर है बी, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है? सही उत्तर है डी, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? सही उत्तर है ए, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सही उत्तर है बी, साधारण गंधक किस आणविक के रूप में पाया जाता है? सही उत्तर है सी, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P P2 P8 P4। सही उत्तर है डी, सोना निम्नलिखित में से किस में घुल जाता है?
अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी में? सही उत्तर है ए। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।